हेलो एवरीवन मैं एडवोकेट कीर्ति भारद्वाज आज आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज लॉ अकेडमी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ आज मैं आपके सामने सीपीसी के जो एमसीक्यूज़ की हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसकी नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ अगर आपको ये क्वेश्चन की पी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी तो अगर आपको आपके चैनल पर आ रही वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले जिसका जवाब हम एज सुन एज पॉसिबल देने की कोशिश करेंगे तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो इससे पहले का पार्ट जो है वो आपके चैनल पर अवेलेबल है आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं और हमारे साथ प्रोपरेशन शुरू कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 वन तक टेकअप करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट इज गिवन इन बिच ऑर्डर तो भैया कौन से ऑर्डर में दे रखा है थर्टी सिक्स नो थर्टी सेवन नो थर्टी एट इज द करेक्ट आंसर मार्क कर लीजिएगा थर्टी एट ये डायरेक्ट हेडिंग बेस प्री के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्डर में से एक ऑर्डर है एडीआर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इससे जुड़ा हुआ सेक्शन कौन सा है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा एडीआर के बारे में सीपीसी का कौन सा प्रोविजन बात करता है आर्बिट्रेशन क्या उसमें आता है भैया मीडिएशन आता आता है आता है कंसिलेशन और चौथा एक आता है लोक अदालत तो यहाँ पर लोक अदालत नहीं दे रखा है ऑल द अब बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन की तरफ आते हैं सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट इज गिवन इन विच प्रोविजन तो भैया यहाँ पर आउटसाइड द कोर्ट का जो सेटलमेंट का प्रोविजन है यानी कि एडीआर के बारे में कौन सा प्रोविजन बात करता है तो सेक्शन नंबर 89 जो है वो आपको बताता है बेसिकली ये वाला जो सिनेरियो है ये जो प्रोविजन है ये आउटसाइड द कोर्ट के बारे में बात करता है कि सेटलमेंट कोर्ट से बाहर लेकिन ये लीगली प्रोसेस के इंक्लूड है तो आप आउटसाइड द कोर्ट कह सकते हो लेकिन ये विद इन द लॉ प्रोसीजर है सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू की तरफ आते हैं पावर टू स्टेट कॉज फॉर द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट इज़ गिवन इन विच सेक्शन तो भैया किस सेक्शन में सिर्फ हम कोर्ट की ओपिनियन के लिए सलाह के लिए जाते हैं पहले से हमने डिसाइडेड कर रखा है ठीक है तो सेक्शन नंबर बाईस सॉरी क्वेश्चन नंबर बाईस का कौन सा विल बी द करेक्ट आंसर एटी नाइन नो नाइन्टी विल बी द करेक्ट आंसर जो कि जिसमें हम ऑलरेडी डिसाइडेड इसको फ्रेंडली सूट भी कहा जाता है सेक्शन नंबर नाइन्टी को हम फ्रेंडली सूट भी कहते हैं

ये वो वाले क्वेश्चन है जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन अदर स्टेट्स जुडिशरी पूछ चुका है प्लेंटिफ प्लेंटिफ कहां पर डिफाइंड है प्लेंटिफ ऑर्डर वन रूल वन नो ऑर्डर वन रूल टेन नो ऑर्डर वन रूल सिक्स भैया सीपीसी में प्रोसीज सॉरी प्लेंटिफ इज नो वेयर डिफाइंड इन द सी पी सी ऑर्डर वन जो है वो हु मे बी ज्वाइन एज अ प्लेंटिव हु मे बी ज्वाइंट एज अ डिफेंडेंट इनके बारे में बात करता है वो प्लेन्टिव कौन होता है उसके बारे में कहीं पर भी उसमें एनुमरेटेड नहीं है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स की तरफ आते हैं आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ग्राउंड प्लीडिंग कैन बी स्ट्रक आउट वेन भैया प्लीडिंग को स्ट्रक आउट कब कर सकते हैं जब वो अननेसेसरी फालतू बातें पूछोगे तो भैया प्लीडिंग तो को हटाया जाए इसका स्कैंडस होगी तो आप हटा सकते हैं प्रिवलस है तो आप हटा सकते हैं ऑल ऑफ द अब बी द करेक्ट आंसर मार्क कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन की तरफ आते हैं हाउ मेनी टोटल सेक्शंस आर देयर इन सी पी सी टोटल सेक्शंस ऑर्डर कितने हैं ये हमने पिछले जो एम सी क्यू किए थे उसमें हमने डिस्कस किए थे अब बात करते हैं कितने सेक्शंस है वन फिफ्टी वन नो वन फिफ्टी टू नो वन फिफ्टी सेवन नो करेक्ट आंसर विल बी एक सौ अट्ठावन और सेक्शंस हैं और ऑर्डर जो है इसमें इक्यावन है ऑर्डर इज डिफाइंड इन विच प्रोविजन ऑर्डर जो है कौन से प्रोविजन में सी पी सी के डिफाइंड है? दो बारह नहीं भैया दो तेरह नहीं भैया दो के चौदह में ऑर्डर को डिफाइन किया गया है इसमें मेंस का भी क्वेश्चन आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑन

जुडिकेटा किन के बीच में लगता है को डिफेंडेंट्स के बीच में भी लगता है को प्लिनटिवस के बीच में भी लगता है तो करेक्ट आंसर विल बी बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बोथ ए एंड बी सेक्शन क्वेश्चन थर्टी वन पर आते हैं स्ट्राइकिंग आउट ऑफ द प्लीडिंग इज एनुमरेटेड इन विच प्रोविजन प्लीडिंग को स्ट्राइक आउट करने के लिए कौन सा प्रोविजन जो है बात करता है ऑर्डर पाँच संबंध के बारे में बात करता है ऑर्डर सोलह विटनेसेस के बारे में बात करता है ऑर्डर छह प्लीडिंग के बारे में बात करता है तो ऑर्डर छः तो है लेकिन रूल कौन सा है भैया रूल नंबर सिक्सटीन है तो करेक्ट आंसर विल बी ऑर्डर छः रूल सिक्सटीन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम फॉर योर अपकमिंग प्रलिम्स एग्ज़ाम चाहे वो हरियाणा एडीए का है चाहे वो हिमाचल जुडिशरी का है चाहे वो कोई भी अदर एग्जाम तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो इसके अगर आपको हरियाणा एडीए की टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़ना है तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके क्वेरी ले सकते हैं नंबर है एट थ्री डबल सेवन जीरो थ्री टू एट सेवन थ्री टोटल इसमें 80 टेस्ट है तीस टेस्ट आपको कंप्लीट मिलते हैं जो कि आपका पूरा सिलेबस को कवरअप करते हैं और पचास टेस्ट आपको सब्जेक्ट्स वाइज मिलते हैं ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है पूरा का जो पूरा टेस्ट है ये आपको पी और ऐप दोनों में अवेलेबल कराया जाएगा 34 टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं अगर आपको इस टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़ना है तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके क्वारी ले सकते हैं नंबर है एट थैंक यू ऑल द बेस्ट पढ़ते रहें साथ बनाए रखें जब तक कि नेक्स्ट वीडियो आए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा